हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मिठाई गुलाब जामुन। उसके लिए मिल्क पाउडर लिया है और एक प्याली चीनी लिया है। पहले चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई बिठा दिया है। आप डाल देंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली चीनी, इसमें तीन प्याली पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो प्याली और एक प्याली डालेंगे। तीन प्याली पानी। अब इसको हिला के मिला के इसको पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे दो हरा इलायची, इसको कूट कर डाले हैं, और डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। इसको हिला के मिला के इसको एक बॉयल आने देंगे। कोई तार फार नहीं आना, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हो और ना भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर पसंद हो तो डालो, ना हो तो ना डालो। चाशनी हमारे अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालेंगे एक नींबू, यह है कमला नींबू, संतरा बोलते हैं इसको, तो इसको एक रस डालेंगे। आपका मन चाहे तो डालो, कोई बात नहीं, और नहीं तो कोई नींबू का भी रस डालो, और नहीं तो ना भी डालो। इसमें कोई फ्लेवर आने के लिए नहीं है, वो चाशनी ठीक रहेगा, इसका कलर भी ठीक रहेगा, इसीलिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बस इसको पक गया है। अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब ले लेंगे मिल्क पाउडर। ये वाले जो मेजरमेंट कप का, दो कप लेंगे। इसको पहले कट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हो एक कप, और एक कप डाल लेती हूँ। और एक कप डाल लिया है। आपके पास जो मेजरमेंट है उसी से माप कर लेना। अब ले लेंगे इसमें तीन चम्मच मैदा भर के। एक, दो, तीन, बस और नहीं देंगे, तीन चम्मच ही देंगे। और ये बेकिंग पाउडर, देख सकते हो पूरा एक चम्मच भर के भी नहीं है, आधा चम्मच भी नहीं है, मीडियम। अब इसमें डाल देती हूँ। डाल के सारे चीज एक साथ मिला लेती हूँ। अच्छी से मिला लिया है। आप इसको थोड़ा छान लेंगे। इसको इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से छान लेंगे। सारे चीज़ें इसको छान लिया है, सारे घुट लिया, जितना सारे निकला है तो फेंक देंगे। अब सारे चीज़ें इसी में डाल देती हूँ। प्याली में डाल लिया है। दोस्तों आप डालेंगे एक चम्मच भर के घी। घी दे के इसको अच्छी से मिला लेंगे। इसको हाथ से ही मिलाएंगे। वैसे
पूरा सबको इस तरह से मिला लेंगे, एक मोइल जैसे बन जाएगा और सबसे मिलना चाहिए। दोस्तों सारे चीज़ें मिला लिया है, हल्के हाथ से पूरा इसको मिलाना चाहिए। इस तरह से मिल गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा दूध देके एक डो बना लेंगे। ये बॉईल करा हुआ ठंडा दूध है, थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। एक साथ डालने से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना। हल्के हाथ से इस तरह से मिलाना, जरूरी नहीं है दबा दबा के बनाओ। थोड़ा ढीलाई बनाएंगे, बाद में सेट हो जाएंगे। और थोड़ा दूध देंगे, अगर ढीला भी ज़्यादा हो जाए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसमें मिल्क पाउडर और थोड़ा सा मैदा देने से टाइट हो जाएगा, और देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक हिसाब से ही डालेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से ढीलाई बनाना होगा, तब स्पंजी जैसे बनेगा। हाथ में चिपक रहा है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा अभी बाद में। इसको ढक कर 5-10 मिनट इसको रख देंगे। एक कप दूध लिया था, इतना डाले, इतना बचा है, ये साइड कर देती हूँ। ढक कर 5-10 मिनट इसको रख देती हूँ। दोस्तों हमारे चाशनी भी बन गया है, गाढ़ा हो गया है, इसको साइड कर देती हूँ। अब देख सकते हो इसको साइड कर देती हूँ, इसको ढक कर साइड कर देती हूँ। अब दूसरा कढ़ाई मिठा दिया है, इसमें तेल डाल के इसको गर्म कर लेंगे। दोस्तों ये 5-7 मिनट हो गया है, खुल के देखती हूँ। वाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सेट हो गया है। इसमें हाथ में थोड़ा सा घी ले लेती हूँ, देखिए इस डो बना लेती हूँ। इस तरह से डो बना लेती हूँ। दोस्तों इसको अच्छी से एक डो बना लिया है, अब इसको गोल गोल शेप दे लेंगे। आप चाहे तो लैंगचा का शेप भी दे सकते हो, मैं इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। अब इसको इस तरह से गोल गोल शेप दे लेंगे। हाथ धुकाती हूँ, अब हाथ में थोड़ा सा घी ले लेंगे। अब इस तरह से गोल गोल घुमा के शेप दे देंगे।
ऐसे चिकनाई वाले ना फाटे। इस तरह से एक एक करके सारे बना लेती हूँ। आप चाहे तो लंबा भी शेप दे सकते हो, बड़ा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, आपका मर्जी से आप शेप देना। अब इस तरह से सारे बना लेती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर गोल गोल बने हैं। बनाते बनाते सूख ना जाए, एक रूमाल से इसको ढक देती हूँ। बाकी सारे बना लेती हूँ। दोस्त हमारे सारे बन गया है। देख सकते हो। अब इसके अंदर अब कपड़ा उठा देती हूँ। अब चूल्हे के पास चलती हूँ इसको फ्राई करने के लिए। चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई मिटा दिया, तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हल्का गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, मीडियम जल में होगा। अब एक एक करके डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे डाल दिया है। ये धीमी आंच में ही होगा अभी, तो 2-3 मिनट तक इसको हिलाना मत, ये अपना आप ही ऊपर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो अपना आप ही सब बाहर आ रहा है। ये हल्का गर्म हल्का आंच में ही होगा, ज़्यादा आंच दोगे तो बाहर जल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए एक एक बार ऐसे तेल हिला दो ना, ये अपना आप सब घूम जाएगा। उसको तेल थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर करके आहिस्ता आहिस्ते हिला देना। जब बाहर आ जाएगा तभी हिलाना, नहीं तो टूट जाएगा। धीमी आंच में ही होगा। एक एक करके पलट भी देना। दोस्तों आप देख सकते हो ये फूल के डबल हो गया है। आप आहिस्ता इसको हिलाते रहो, उलट पलट करके इसको कलारिंग फ्राई कर लो। आँच धीमी रहेगा, ऐसे ही हिलाएंगे, घूम जाएंगे। एक करके उसको पलट देंगे। अब देख सकते हो थोड़ा कलर आ गया है। इसके एक करके इसको पलट देंगे। अब हिलाने से टूटेगा नहीं, आप हिला के उसको पलट के कलर ले आओ, पर जितना कलर पसंद है। थोड़ा सा बददस करके बनाने से एकदम परफेक्ट बनेगा, जल्दीबाजी करने से टूट जाता है। आप इसको हिलाओ टूटेगा नहीं, डाल के इसको मत हिलाना, डाल के कम से कम 2-3 मिनट तक इसको पकने देना, अपना आप वो बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हो कितना फूल गया है। आप थोड़ा कलर आने दो, उठा लेंगे। दोस्तों आप चाहे तो कलर और कर सकते हो, मैं इसी कलर में ही उठा लेंगे, मेरे को इतना ही चाहिए, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों मैं उठा लेती हूँ।
और देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट सुंदर हुआ है। ये भी सारा उठा लिया है। अब आती हूँ चाचिनी का पास। चाचिनी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब थोड़ा गर्म कर लेती हूँ चाचिनी। दोस्तों चाचिनी गर्म कर लिया है, अगर आपके पास भी ठंडा हो जाए तो गर्म ही कर लेना। अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। आज गुलाब जामुन भी गर्म है, डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको एक घंटा तक इसको ढक कर रख देती हूँ। एक घंटा बाद आपको दिखाती हूँ। अब चाचिनी में डाल दिया है, अब देख सकते हो। और अब इसको एक घंटा के लिए ढक देती हूँ। मसाला बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी सारे जो चाचिनी इसमें खींच लिया है, अब देख सकते हो एक घंटा हो गया है। अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो और भी खींचेगा। अब पूरा अंदर तक रस खींचा है, अब देख सकते हो। अब एक बोल में डाल लेती हूँ। देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना है, और बहुत आसान भी है और टेस्टिंग भी है। जब खाने का मन करे तो घर में ही बना लिया करो। एक अकेला काट के दिखा सकती हूँ। अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टिंग बना है। अब इसको काट के अंदर से अब देख सकते हो बहुत ही टेस्टिंग, अंदर जालीदार दानादार एकदम। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत आसान भी है, इजी भी है, और खाने में बहुत ही टेस्टिंग है। बाहर से बाजार से भी बहुत अच्छा है। दोस्तों रेसिपी अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना। और मेरा चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं जब नया वीडियो डाले आपके पास तुरंत चला जाए। जरूर घर पर बनाना खाना, बनाना आसान है, खाने में बहुत टेस्टिंग भी होता है। पिस्ता बादाम से थोड़ा गार्निश कर देती हूँ। ये पूरा ऑप्शनल है, आपका इच्छा हो तो सजाना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।